तो वो अस्पताल भी अपने आप में एक बड़ा आधुनिक अस्पताल होगा। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में हरेक क्षेत्र भारत आ गया। ये भारत का आजादी का अमृत वर्ष और मोदी जी ने रस रखा है देश की जनता के सामने। जब देश की जनता आजादी की शताब्दी मना रही होगी तब हरेक क्षेत्र में समग्र विश्व में भारत एक नंबर पर हो, ऐसे भारत का निर्माण। रक्षा का क्षेत्र हो, इकोनॉमिक की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, निर्यात बढ़ानी हो, बैंकिंग व्यवस्था को गरीब तक पहुंचाना हो, देश की गरीब कल्याण की योजनाएं लेकर हर गरीब के जीवन स्तर को उठाना हो, हर क्षेत्र में भारत ने इन 9 साल में बहुत बड़ी प्रगति की है। मित्रों, आज मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर मैं भरोसे से आज एक बात कहना चाहता हूं। मैं बार बार कांग्रेस के नेता का मध्य प्रदेश में बयान दूं, उनको बीच में एक विशिष्ट सर्कमस्टेंसेस के कारण सफलता मिल गई, अब उनको लगता है फिर से हम जीतेंगे। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप लोगों को जब सत्ता मिलती है कांग्रेस कभी जनता के लिए काम नहीं की, और भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है विकास के नए मानक गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज मैं सतना की समग्र जनता को और यहाँ के सांसद को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। श्री शिवराज सिंह चौहान और हमारा चिकित्सा मंत्री